यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल बीड्स दे रखी है, ईच हैविंग ए मास एम एंड चार्ज क्यू, व्हेन प्लेस्ड इन हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ रेडियस आर विद फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग वॉल्स द बीड्स मूव एंड एट इक्विलिब्रियम दे आर एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है कि ये एक हेमिस्फेरिकल बोल है, जो दो बोल है इक्विलिब्रियम में यहाँ से डिस्टेंस आर अपार्ट रहती है। ये एक हेमीस्फेयर है जिसका जो यहाँ पे इसके किसी भी पॉइंट से इसके सेंटर की डिस्टेंस आर होगी, आर रेडियस का दे रखा है ये। तो बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। तो अब अपन यहाँ पर एक बी बोल बोल दे और इसको सी बोल दे, तो एट पॉइंट बी देखे और ये वर्टेक्स को ए बोल देता हूँ, तो इस यहाँ पर एम जी लग रहा होगा इस बोल के ऊपर, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एंगल इसके ऊपर 60 होगा, तो ये एंगल मैं 60 बना देता हूँ और वर्टिकल के साथ ये एंगल 30 हो जाएगा, इस एंगल को मैं 30 बना देता हूँ। ये एंगल अपना 90 है, ये एंगल अपना 90 है, तो फोर्स बैलेंस कराएंगे तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 30 एम जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 30, जो कि ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 60, जो कि ये वाला एंगल है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ 120 की वैल्यू √3/2 होती है एंड के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और साइन 150 की वैल्यू हाफ होती है। तो यहाँ से तो अपने पास ये आ गया और यहाँ से अपन को पूछा है, तो चार्ज की वैल्यू पूछी है वहां पे। बेसिकली अपन को चार्ज पूछा था तो अपने पास जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, एम जी बाय √3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ चुका था। तो यहाँ से क्यू अपन लिख सकते हैं एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 के का अंडर रूट, और के की वैल्यू यहाँ पर तुम देखोगे तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वो भी रख सकते हो। एम अपन को दे रखा था, आर रेडियस दे रखी थी, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।